हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लाइट पेंटिंग कैसे की जाती है। लाइट पेंटिंग करने के लिए आपको एक नॉर्मल मोबाइल की जरूरत है। इसके लिए आपको किसी स्पेशल मोबाइल की जरूरत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन करना है। अपने कैमरे को ओपन करके उसमें आपको प्रो मोड दिया होगा, जो कि सब फ़ोन में दिया होता है मोस्टली। तो आपको प्रो मोड में जाके सबसे पहले ISO को सेट करना है। आपके फ़ोन में ISO को सबसे मिनिमम पे जाके सेट करना है। मेरा ISO 50 तक सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने 50 कर दिया है। इसके बाद आपको अपने फ़ोन का शटर स्पीड को चेक करना है। इसको आपको मैक्सिमम कर देना है ताकि आपका फ़ोन का कैमरा मैक्सिमम लाइट कैप्चर कर सके। दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल स्टेबल रखना है। अपने हाथ में फ़ोटो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करनी है, जिससे कि दोस्तों फ़ोटो काफ़ी शेक हो सकती है और आपकी फ़ोटो बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। तो इसके लिए आप ट्राइपॉड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी है। इसमें आपको कम से कम 30 से 32 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि शटर स्पीड मैक्सिमम होने के कारण यह मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करता है। अभी हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपके सामने कुछ रिज़ल्ट आएंगे, जिसे आप अलग अलग तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने कुछ और फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की है। ये हमने अपने घर की छत के ऊपर ट्राई किया है। आप भी अपने घर की छत के ऊपर ट्राई कर सकते हैं या किसी खुली जगह पर ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर अंधेरा हो। यह फ़ोटो आप अंधेरे में ही क्लिक कर सकते हैं, दिन में यह काम नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, इस फ़ोटो का रिज़ल्ट देखते हैं कि फ़ोटो कैसे आएगी। दोस्तों, हमारा फ़ोटो क्लिक हो चुका है। आइए हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह फ़ोटो कितना अच्छा आया है। आप इसी तरीके से अलग अलग तरह की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको यह फ़ोटो लेने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी यह फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने दूसरे मोबाइल की मदद से इस फ़ोटो को क्लिक किया है। दोस्तों, आप इस फ़ोटो में लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको कुछ भी लिखा हुआ शीशे में देखने पे उल्टा नज़र आता है, तो आपको इसमें उल्टा ही लिखना होगा ताकि फ़ोटो क्लिक होने के बाद हमें वो चीज़ सीधी नज़र आ सके। हम आपको कुछ रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।